हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये नेक्स्ट सीरीज होगी मेरी क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स को लेके। इससे पहले मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड 4 वीडियोज बनाए हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिसमें केस स्टडी, असर्शन एंड रीजन और एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चंस और मैच द फॉलोइंग किस तरह आती है एमसीक्यू में, वो क्वेश्चंस मैंने वहां मार्केटिंग चैप्टर से डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें ताकि आपको हेल्प हो सके कि आपको टर्म 1 का एग्जाम किस तरीके से आंसर करना है। यहां पे मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूं जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, और आज जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी वो है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को, इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के फर्स्ट सीरीज को। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस समझने से पहले असर्शन रीजन का एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं कि असर्शन और रीजन क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं। जैसे 4 ऑप्शंस आपको दे रखे होते हैं जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही होते हैं, और जो रीजन यानी कारण दे रखा है ऊपर असर्शन का वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन दे रखा है और दोनों सही है, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो ऊपर असर्शन स्टेटमेंट से मेल नहीं खाता। मतलब रीजन तो सही है, स्टेटमेंट सही है, बट वो असर्शन से कहीं उसका एक्सप्लेनेशन शो नहीं होता। देन असर्शन भी सही है और रीजन भी, सॉरी असर्शन सही है बट रीजन स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी स्टेटमेंट ही वो गलत है। देन लास्ट से आपका डी ऑप्शन होता है जिसमें असर्शन गलत है और रीजन सही दे रखा है आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप क्या करें, आप ट्रांसलेट कर सकें जो आपने प्लान किया है उसको एक्शन में। रीजन इसका हमें दे रखा है, ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स लेड डाउन इन द प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है, ये इंश्योर करना होता है कि सारे एफर्ट्स जो हैं वो गोल को पूरा करने के लिए लगाए जाएं, और जो कि प्लानिंग के थ्रू हमने लेट डाउन किए थे, यानी जो गोल हमने प्लानिंग के थ्रू डिसाइड किया था उसी को हम एफर्ट के थ्रू प्रॉपर वे में कर सकें, ये चीज ऑर्गेनाइजिंग है। तो बिल्कुल यहां पे भी हम प्लान की बात कर रहे हैं, यहां पे भी हम प्लान की बात करें कि किस तरह प्लानिंग को एक कदम आगे बढ़ा के हम ऑर्गेनाइजिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर विल बी ए, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 2 पे। द वर्क इज डिवाइडेड इंटू मैनेजेबल एक्टिविटीज एज फार एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज कंसर्न। यानी कि आपके वर्क को डिवाइड किया जाता है एक्टिविटीज में, मैनेजेबल एक्टिविटीज में, एज फार एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज कंसर्न। और ये पहला ही स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग का जिसमें हम वर्क को डिवाइड करते हैं। ओके फाइन, अगर आप देखो तो स्टेप जो होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, जो स्टेप दे रखे हैं उसमें पहला आपका यही होता है डिविजन ऑफ वर्क। सो ये स्टेटमेंट तो सही है हमारी। रीजन देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस डुप्लीकेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। और जब हम ये डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि आप जब काम बांट रहे हैं तो उसमें आपका वर्क बिल्कुल डिवाइड होगा इधर से उधर, यानी आप क्या कर रहे हो, आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा क्योंकि आपने सबको वर्क डिवाइड कर दिया प्रॉपर वे में। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही बिल्कुल गलत है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, सी होगा सही आंसर जिसमें असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू परफॉर्म इट। मतलब वर्क उन्हें असाइन करना चाहिए जो उस काम के लिए बिल्कुल बेस्ट फिट होते हैं। वेल एज पर वन ऑफ दी स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, और ये एक स्टेप है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का, तो सही है, ये हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का जिसमें हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज वाला काम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही दे रखी है स्टेटमेंट। इसका रीजन देखते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। और ऊपर बताया गया है कि ये जो ऊपर हमने काम किया है, जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज किया है, ये हमारे काम को इफेक्टिव बनाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश अंडर प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम प्लानिंग फंक्शन में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, जो हमारा
मैनेजमेंट का जो आपका प्लानिंग का जो एक फंक्शन है वो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो अगर हम ध्यान दें तो ये गलत है, वो प्लानिंग का फंक्शन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजिंग का है, जिसमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपका आई थिंक सेकेंड लास्ट स्टेप या लास्ट स्टेप हाँ होता है, जिसमें आप अकाउंटेबिलिटी सेट करते हो। तो ये रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप है, प्लानिंग का नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गई हमारी, रीजन भी देख लेते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। और ये जो हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप करते हैं ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी टॉप मिडिल लोअर लेवल का एक स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनाकर तैयार करता है। तो बिल्कुल सही है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये चीज जब हम सेट करते हैं तो एक्चुअली हम सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो रीजन असर्शन जो दे रखा है वो गलत है। सो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होता है वो स्पेशलाइजेशन में मदद करता है, यानी हमें काम को बहुत ही सटीक और स्पेशलाइज वे में करना है, बढ़िया तरीके से करना है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है, होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आते हैं, रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउ अ वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस इन ऑल द एरियाज। ये गलत है। अगर आप एक वर्कर से लगातार रिपीटेटिव काम, वही लौट लौट के काम उसको करवा रहे हैं वर्कर को, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑल एरियाज का, सभी चीजों का एक्सपीरियंस उसको हो जाएगा। नहीं, जब हम उसको एक ही काम लौट लौट के दे रहे हैं तो उसे बाकी चीजों का एक्सपीरियंस थोड़ी ना होगा, उसको केवल उस पर्टिकुलर वर्क का एक्सपीरियंस होगा। सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, रीजन गलत दिया हुआ है, असर्शन सही है आपका। सो योर आंसर विल बी सी, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहां से इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज नॉट शोन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग चार्ट में हमें दिखाई नहीं देता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में वो हमें दिखाई नहीं देता। अब अगर हम ये देखें तो ये स्टेटमेंट ही गलत है बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यानी फंक्शनल है, डिविजनल है, या किस तरीके से कौन सा लेवल है, किसके अंडर में कौन है, ये सब कुछ हमें नजर आता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मदद आपका शो होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, दोनों बहुत ज्यादा अलग नहीं है आपके, तो ये दोनों सेम है। तो ये स्टेटमेंट ही आपकी गलत हो गई, रीजन देखते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विच इनेबल द इंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मदद करता है, प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज को, जिससे काम इंटीग्रेटेड यानी मिलके हो सकता है एक यूनिट का काम। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे असर्शन गलत है। सो आपका आंसर क्या होगा? डी, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज असेंशियल। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, वेदर इट इज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं, रीजन इसका, इट इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी वजह से एक कम्युनिकेशन स्मूथली फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और हमारा कंट्रोल भी अच्छा बनता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पे। बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। ऊपर हमें ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है ये बताया गया है, और नीचे हमें उसका कारण भी दिया है कि क्यों जरूरी है, बेटर कंट्रोल के लिए और कम्युनिकेशन अच्छे से फ्लो होने के लिए। सो ये करेक्ट आंसर इज ए, दोनों सही है और रीजन भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन बहुत जरूरी है फंक्शनल स्ट्रक्चर में, यानी आप किसी चीज में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही आपको फॉलो करना होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी सही दे रखी है बिल्कुल। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा प्रोडक्ट एक ही टाइप का बन रहा है और हमने फंक्शनल डिवाइड किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता है। ये आप बुक्स में देखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेनिफिट दे रखा हुआ है आपको स्पेशलाइजेशन। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन पे आते हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन फंक्शंस। लेकिन ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये फंक्शन पे बेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल फंक्शनल पे बेस है, यहां नाम ही फंक्शनल दिया है, तो यहां पे नो कैसे हो सकता है? सो ये करेक्ट आंसर इज सी, असर्शन हमें सही दे रखा है बट रीजन की स्टेटमेंट फॉल्स है, हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन अगर चाहिए है तो
डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा सही होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हमें यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही है। फंक्शनल स्ट्रक्चर हम फंक्शन मतलब हम अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर अपना रहे हैं तो यानी हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जाते हैं, हम कई तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं जिनके लिए हमने बिल्कुल सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखे हैं, उसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं और ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन को ही प्रमोट करता है। सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं, इसका रीजन हमें दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट लाइन एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस। बिल्कुल, आपकी प्रोडक्ट लाइन के बेस पर डिवाइड होता है, जितने प्रोडक्ट उतनी लाइंस आपकी होती हैं और वो लाइंस अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती हैं, यानी अलग प्रोडक्ट अलग डिपार्टमेंट सारे, देन अलग प्रोडक्ट अलग डिपार्टमेंट सारे। तो ये बिल्कुल सही आपका दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट, दोनों ही सही है, सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए। देन नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल है, थोड़ा आपका उतना ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट्स आपको नहीं बनाने होते। सही है, आपका सही स्टेटमेंट दे रखा है, इसे हम इकोनॉमिकल कहते हैं क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट मैंने बनाया, मेरा खर्चा कम रहता है फंक्शनल स्ट्रक्चर अपनाने पे। रीजन देखते हैं, इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शंस आर डुप्लीकेटेड। फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम डुप्लीकेट होने लगता है, यानी कि एक ही आदमी दो काम कर रहा है या एक ही काम को दो बार किया जा रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर देते हैं, वहां भी काम आपका बहुत अच्छे से डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ वर्क क्लैरिटी के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत दे रखी है, रीजन आपको गलत दे रखा है, सो योर आंसर विल बी सी, असर्शन इज ट्रू बट आर इज रॉन्ग, या फिर आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी, द मैनेजर शुड स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। यानी कि काम को डेलीगेट, अथॉरिटी पावर्स को डेलीगेट करने के बाद भी स्टिल मैनेजर जो होता है वो अकाउंटेबल, यानी जवाबदेही है उसकी वर्क को लेकर, चाहे उसने अपनी अथॉरिटी डिवाइड कर दी थी, बांट दी थी। हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में पढ़ा था कि अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अथॉरिटी भी उसे दे देते हो, लेकिन हमने डिफरेंस बिटवीन में ये पढ़ा था कि अकाउंटेबिलिटी और आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फुली डेलीगेट नहीं होती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, ताकत को हम डेलीगेट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और को, लेकिन फिर भी हम जो मेन मैनेजर होता है वो उस काम के लिए डेलीगेट होता है, अकाउंटेबल होता है, यानी उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनी रहती है उस काम पर। तो बिल्कुल सही है आपका 21, जो असर्शन आपको दे रखा है वो सही है। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। डेलीगेशन का मतलब एब्डिकेशन नहीं होता है। एक्चुअली डेलीगेशन का मीनिंग अगर देखा जाए तो एब्डिकेशन आपका नहीं होता है। एब्डिकेशन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आपको सही दे रखा है। आप पूरी तरीके से अपनी अथॉरिटीज देने के बाद काम से छुटकारा नहीं पा सकते, आपका आप उसके लिए आंसरेबल लास्ट तक होते हो अगर काम आपको दिया गया है पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर मैनेजर को। सो योर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ए। दोनों चीजें सही हैं आपकी, असर्शन भी एंड रीजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। हम अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ओके, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं कम्प्लीट, हम अथॉरिटी को ही एक्चुअली देखा जाए तो अच्छे से डेलीगेट करते हैं हम। जब तक अथॉरिटी नहीं देंगे तो सामने वाला काम भी नहीं कर सकता उससे रिगार्डिंग, अगर हम उसे पावर नहीं देंगे तो काम को कैसे करेगा। तो बिल्कुल अथॉरिटी डेलीगेट होती है, यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट ही गलत हो गई। दूसरा देखते हैं इसका रीजन, इट राइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन। ये फॉर्मल पोजिशन से राइज होता है, फॉर्मल पोजिशन से राइज होता है, बिल्कुल सही बात है। जो फॉर्मल पोजीशंस आपकी होती हैं वो आपके क्या दिखाता है, पावर को दिखाता है, राइट तो सही है, लेकिन असर्शन गलत दे रखा है, सो करेक्ट आंसर इज डी, असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, डेलीगेशन लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन का मतलब होता है एक इफेक्टिव मैनेजमेंट, अच्छी सी मैनेजमेंट, ठीक है, सही दे रखा है आपका। डेलीगेशन का मतलब इफेक्टिव मैनेजमेंट को ही प्रमोट करना होता है। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क, रीजन इसका दे रखा है, फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज। जब ये काम होता है, डेलीगेशन किया जाता है, तो हमें आजादी मिल जाती है एक मैनेजर को बाकी एरियाज में अपने
अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की। बिल्कुल, हमने कहा था कि पासिंग ऑफ बर्डन, मैनेजर अपना बर्डन पास ऑन कर देता है जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकता है डेलीगेशन की मदद से। तो ये भी आपका सही दे रखा है, आंसर विल बी ए, दोनों ही सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। डेलीगेशन हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर। डेलीगेशन मदद करता है फ्यूचर एक बेटर मैनेजर को फ्यूचर के लिए तैयार करने में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बिकॉज ऑफ डेलीगेशन अ मैनेजर फील्स इनकरेज एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर। और ये चीज डेलीगेशन मदद करता है एक मैनेजर को इनकरेज करने में और ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर और उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर मैं बात करूं तो ऊपर हमने कहा है डेलीगेशन हेल्प बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर। एक मैनेजर का फ्यूचर बेटर होगा अगर वो काम डेलीगेट करता है। नीचे हमने कहा है वो इनकरेज होगा और वो इम्प्रूव कर पाएगा अपने परफॉर्मेंस को फर्दर। यहां पे आपका ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, रीजन गलत दे रखा है इसका। रीजन की स्टेटमेंट सही है, डेलीगेशन काम ये करता है, लेकिन जो ऊपर हमने दे रखा है कि हम फ्यूचर मैनेजर तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट नहीं है। इनकरेज करने का मतलब आपका फ्यूचर में वो अच्छा मैनेजर हो जाएगा इसका मतलब नहीं है, आप पर्टिकुलर वर्क पे उसको उस वक्त इनकरेज कर रहे हो। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी। यहाँ पे असर्शन रीजन सही तो है लेकिन रीजन सही नहीं दे रखा है, असर्शन के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है। देन आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा डेलीगेशन इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन मैनेजमेंट हायरार्की का बेसिस है। सही है, जब हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वह एक स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बनाता है, टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल को बना के तैयार करता है, एक हायरार्की को फॉर्म करता है। सही है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। और अथॉरिटी डेलीगेट करने से हमारा सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए ऑप्शन। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, आपको समझ आए हों। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी स्टूडेंट्स में ताकि टर्म वन से रिलेटेड प्रिपरेशन उनकी हो सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।